नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एस्थमा के विषय में। एस्थमा जो कि सांस फूलने की दिक्कत होती है या बहुत लोगों में पाई जाती है और बहुत परेशानी का सबब होती है। ज़्यादातर बच्चे में ये तकलीफ जब होती है तो उनको निबुलाइज़र और वो फोराकॉट और इनहेलर्स का उपयोग करना पड़ता है, जिसको देखकर माँ को भी दुख होता है हमारे अपने बच्चे को इनहेलर देना पड़ रहा है। हम आपको बताते हैं ऐसी एक अचूक दवा जो एस्थमा की हेड रेमेडी है। यह साथियों इलाज नहीं है, यह आपकी अवेयरनेस के लिए है कि आप अवेयर रहें कि दवाएं आती हैं। बाकी दवा तो कुशल चिकित्सक ही देगा, लेकिन हाँ, ये दवा आपकी जानकारी में रहेगी तो आपको अपने बच्चे का इलाज करने में हेल्प मिलेगी। हम आपको बताते हैं एक ऐसी अचूक दवा जो आपके एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस और एस्थमा में बहुत आराम देती है, और दवा का नाम है नेट्रम सल्फेरिकम। आप नेट्रम सल्फ 200 पावर में, हमने अपने क्लिनिक पर देखा है, नेट्रम सल्फ 200 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली देने से बच्चे की सांस फूलने में बहुत आराम मिलता है, या हेड रेमेडी है आपकी एस्थमा को ख़त्म करने की। इसके अलावा साथियों, यहाँ पे दो और दवाओं का जिक्र ना करा जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। पहली दवा है ब्राइनिया, दूसरी दवा है आर्सनिक एल्बम और तीसरी दवा है कॉस्टिकम। तो एक तरह से वह 4 दवा हो गई, नेट्रम सल्फ वीकली, ब्राइनिया, आर्सनिक और कॉस्टिकम, 2-2 बूंद 30 पावर में दिन में 3 बार। यह एक ट्रीटमेंट है जो एस्थमा में बहुत लोगों को आराम देता है। एक डिटेल्ड वीडियो साथियों इसी विषय का लिंक नीचे नोटिफिकेशन पैनल में मौजूद है, आप उस लिंक को क्लिक करके वो पूरा वीडियो भी पूरी जानकारी के लिए देख सकते हैं। लेकिन अद्भुत दवा है नेट्रम सल्फ साथियों आपके एस्थमा को ठीक करने की। दवा साथियों बहुत कारगर है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना कोई भी दवा मत लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें YouTube नोटिफिकेशन या WhatsApp पे अपनी क्वेरी WhatsApp कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाएं। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।